नमस्कार साथियों जिस आधार पर हम लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि 10 अक्टूबर को यानी 10th ऑफ अक्टूबर को हमारा बीपीएससी टीआरई कम से कम 9-12 का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर मैंने देखा, देख तो मैंने उस 2-3 घंटे पहले लिया था, लेकिन मैं सोचा कि पहले कंफर्म हो जाता हूँ कि आखिर वास्तविकता क्या है। तो गया से जो लेटर निकला था उसने उसमें शुद्धिकरण कर दिया। क्या शुद्धिकरण कर दिया? पहले उसने लिखा था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा लिया गया है उसका परीक्षा परिणाम 10 अक्टूबर को आ रहा है। उसमें सुधार करते हुए कहा कि जल्द आने की संभावना है, यानी हमें लगता है कि 10 तारीख को अब रिजल्ट नहीं आएगा, हमें 2-4 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, या सरकार की ऐसी रणनीति होगी कि अचानक से रिजल्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ डिले होगा, तभी ये शुद्धिकरण का मामला आया है। क्योंकि पटना से जब उनको फ़ोन आया होगा डीओ ऑफिस में, डीपीओ के द्वारा ये लेटर निकाला गया था, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शाखा वो होता है जिसमें शिक्षकों के सारे फाइल कागजात जमा होते हैं, तो वहाँ से आया होगा कि आप इसमें सुधार करिए, आपने क्यों ऐसा बोल दिया, आपको बोलना नहीं था, इसको आपको गुप्त रखना था, डांट पड़ी होगी तो उन्होंने इसको परिवर्तन कर दिया। और वास्तविकता क्या है ये नहीं पता कि रिजल्ट 10 को आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 को रिजल्ट अब नहीं आएगा, हमें 2-4 दिन जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा बस। तो ये विचार था, ऐसा समाचार मुझे लगा कि अपने साथियों से बात करते हैं। और अब ये क्यों ऐसा लिखवाया गया, क्यों ऐसा किया, ये SLP के कारण है या अन्य कोई कारण है, या फिर सरकार कुछ और डिले करना चाहती है? डिले का मतलब 2-4 दिन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिले की बात कर रहा हूँ, 2-4 दिन डिले की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा लगा कि कुछ दिन और थोड़ा डिले करना है, और इसीलिए ऐसा सुधार करवा दिया, शुद्धिकरण करवाया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से जो लेटर निकला था उसमें। खैर कोई बात नहीं, हम लोग तो बहुत इंतज़ार किए हैं, और हम लोगों ने जो धैर्य का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। तो 2-4 दिन में और क्या बिगड़ेगा, 2-4 दिन और इंतज़ार कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगा कि आप लोगों से इस मसले पे बात करना चाहता हूँ। और मेरे साथ ही जो भी मुझे देख रहे हैं, ये PGT OBC में 46 उम्मीद तो है भाई, संजीव भाई उम्मीद है आपको। और जिनको भी कट ऑफ के बारे में कुछ करना होगा, अपना नाम, सब्जेक्ट 9-10 की 11-12 और प्लस में जिला का नाम लिखिएगा, और उसके बाद जितना आपका मार्क्स आ रहा है वो लिखिएगा, फिर मैं आपको उसी पर व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई करूँगा। कॉल नहीं करना है क्योंकि ढेर सारे कॉल का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मुझे भी ये बुरा लगता है कि सबको मैंने बोल दिया, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बस यही मसला है। CS Mail 58 EW से एकदम गारंटी भाई, गारंटी हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, एकदम 55 बढ़िया है नंबर। और बाकी अगर कोई है तो आप मेरे मोबाइल पे कॉल करिए 9015181136, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, आपको मैं जवाब दूँगा। तो बस यही मसला था, ज़्यादा कुछ था नहीं, कि 10 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा, हमें कुछ और इंतज़ार करना पड़ेगा, मन किया कि आपसे बात करूं। और फिर 2 दिन में पटना जाना है, वहां बातचीत करेंगे, फिर आएंगे तो वहां पता लगाएंगे, ऑफिस में जाऊंगा, 10 तारीख को ऑफिस जाता हूं मैं BPSC के, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वास्तविकता है। बाकी सारी सूचना आपको मिलेगी, SLP की सुनवाई कल है ही, दुआ करेंगे भगवान से कि किसी तरह से BPSC TRE पर कोई उसका प्रभाव ना पड़े, खास करके 9-12 पर, और ये DLED वर्सेस BED की लड़ाई है वो भी हल हो जाए, जो भी होना है, दूध का दूध पानी का पानी, किसी को भ्रम की स्थिति में रखना ये सही बात नहीं है। तो जो भी होना हो जाए, और
हम तो चाहते हैं सबके साथ इंसाफ, बस तो यही मेरा विचार है, यही मन किया कि तेरा बात कर दूँ। फिर कोई भी अगर आपको ऐसा लगे कि कर्ज के बारे में थोड़ा पूछना, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन में प्रॉब्लम हुआ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। जय हिंद।